हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। परसेंटेज की अगली जो किस्त है वो लेकर हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं। और पिछली वाली क्लास में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे, चुनावों पर आधारित प्रश्न थी। और आज की जो बातचीत हो रही है वो परीक्षाओं पर आधारित बातचीत है। दोनों बातें एकदम कॉन्ट्रेरी हैं, है ना। चुनाव में जिनको चुना उन्होंने परीक्षाएँ करवाना ही बंद कर रखा है, तो बड़ी समस्या चल रही है आजकल। जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके रिजल्ट्स भी नहीं आउट हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जो कॉम्पिटिटर्स बच्चे हैं उनके लिए, उनके मोरल को कहीं ना कहीं डाउन करने वाली बातचीत है। खैर, मैं इस पर स्पेशली बातचीत करूँगा किसी और वीडियो में ही, और पूरा पूरा वीडियो उसी पर होगा। आज मैं अपने पढ़ाई वाले वीडियो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, हालाँकि दिमाग तो बहुत डिस्टर्ब है। खैर, कोई बात नहीं, आप इसको देखें कि अभी हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं उस बातचीत में किस किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को ज़रा डिस्कस कीजिए और करने के तरीकों को समझिए मेरे साथ। मैं यानी अमित मरपाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो यहां पर बेटा जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स को समझिएगा। मैं बहुत ही इनिशियल लेवल से क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहा हूं, बहुत ही छोटे छोटे लेवल हैं और हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज है। एग्जामिनेशन की बात होगी, परीक्षा में पास होने की बात होगी, लेकिन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर बनता जाएगा और दिखता जाएगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं उठा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं। वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं। एकता से 10% अंक कम मिले हैं, एकता से 10% कम अंक मिले हैं अंकिता को। ई फॉर एकता, ए फॉर अंकिता। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो, एकता और अंकिता की बात करें अगर हम, तो एकता से 10% कम अंक मिले हैं अंकिता को, यानी एकता को बेटा अगर 100 नंबर मिलते तो अंकिता को 90 नंबर मिलते। ये बात हमारे सिंपल सा फॉर्मेट है और ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि अगर एकता को मिलने वाले नंबर्स जो होते हैं वो 100 होते तो अंकिता को कितना मिलता, 90। और उसी तरह से आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंकिता को 81 अंक मिले हैं तो एकता को कितने नंबर्स मिले हैं। अंकिता को मिला है 81 तो एकता को मिला है कितना। सिंपल सी बातचीत है ना। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी वो ये है कि जो हमारे हिसाब से 90 है वो ओरिजिनली 81 है, तो जो हमारे हिसाब से 100 होना चाहिए वो ओरिजिनली कितना होना चाहिए। हमारे हिसाब से जो 100% यानी पूरा पूरा होता है वो ओरिजिनली कितना होना चाहिए, तो 81 डिवाइडेड बाय 90 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्वेश्चन पूरा पूरा आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह से आप कह सकते हो 9×81 मतलब साफ है कि ये 90 नंबर। अब इसको बेटा परसेंटेज में ना करके कुछ लोग फ्रैक्शंस में भी कर लेते हैं कुछ टीचर्स, वो भी तरीका अच्छा है, पढ़ा वो भी अच्छा रहे, बता वो भी अच्छा रहे, लेकिन मुझे ऐसी कोई बहुत विशेष नेसेसिटी इसमें समझ में नहीं आई, इसलिए हमने इसको परसेंटेज से परसेंटेज में ही रखा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, उस पर आ रहा हूँ मैं। ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं। 25% छात्र असफल हो जाते हैं और 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। 25% ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपियर्ड इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड एंड ओनली 450 स्टूडेंट्स क्वालिफाई द एग्जाम। The number of students who appeared in the examination was। तो ये बात जब आपसे पूछी जा रही है, इस तरह से जब आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा कंडीशन जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें सिक्के के दो पहलू हमने आपको बताया था। स्टूडेंट्स अगर किसी एग्ज़ाम को देंगे तो वो या तो पास होंगे या फेल होंगे, और जो पास और फेल वाले हैं ये कुल मिला के परसेंटेज में कितने परसेंट होंगे, तो 100% होंगे। जो बात आपको पता है वो ये है कि जो फेल होने वाले हैं वो 25% हैं। दूसरा मतलब आपको साफ हो जाएगा कि अगर टोटल कुल मिलाकर 100% स्टूडेंट्स थे तो मतलब साफ हो गया ना यहाँ पर कि जो फेल होने वाले का 25% है तो पास होने वाले बेटा कितने होंगे, ये 75% होंगे। और इन्हीं 75% स्टूडेंट संख्या आपको दी हुई है 450। अगर पूछा जाए फेल कितने हुए तो 25% निकालना है, और अगर पूछा जाए टोटल कितने अपियर हुए हैं तो 100% निकालना है। 75% इज इक्वल टू 450, टोटल कितने हुए, 100% इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको भी हमने उसी तरह से किया है ना कि 75% का मतलब 3/4 होता है, पूरा पूरा निकाल लो, 3/4 ये है, पूरा पूरा कितना है वो भी वही बात है। ठीक है, तो 25 × 75 = 100, वो जो 3/4 लिखोगे बराबर में पूरा पूरा तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 15 × 45, 15 × 60,
टोटल 600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। अगर पूछा जाए कि कितने फेल हो गए हैं तो 600 का 25% फेल हुए, यानी 600 के आधे का आधा, यानी 600 का आधा हुआ 300 और 300 का आधा हुआ 150, तो 150 फेल हुए हैं, 450 पास हुए हैं। और इस तरह से पूरे क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि 600 जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम में बैठे थे, टोटल 600 कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। देन आपका एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। बहुत ही आराम से समझने वाली बात है, यहीं से आपके बहुत ही मेन क्वेश्चन, बहुत ही मुख्य रूप से मुख्य धारा में बहने वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं और एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, 20 अंकों से फेल हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि पास कब हो गए, पास तब हो गए जब 40% मार्क्स मिलेंगे। पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स जो है परसेंटेज में कितना दिया हुआ है आपको, तो वो 40% दिया हुआ है। अच्छा, बंदे का हुआ क्या, बंदे के साथ हुआ ये बेटा कि इसको 220 नंबर मिला और 20 नंबर से फेल हो गया। 20 नंबर से फेल हो गया का मतलब क्या है, 20 नंबर और होते तो पास होता। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इसको 20 नंबर और देंगे तब ये नंबर लाएगा 240 और हो जाएगा पास, यानी कितना परसेंट बन जाएगा इसका, 40% बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बात देख सकते हो कि 40% मार्क्स इसका बना है तब जब ये 240 नंबर लाएगा, 40% मार्क्स बना है तब जब ये 240 नंबर लाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि अगर 40% मार्क्स 240 के बराबर हैं तो पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, 100% ही तो होता है ना, 100 में से 100। देखो आप अपने CBSE में 500 में से 500 नंबर लाए बच्चे, 499 नंबर लाए बच्चे, है ना, तो 100 में से 100 यानी 100%, 100% कितना हो जाएगा, 240/40 × 100। ये आप देख सकते हो 4×40, यानी यहाँ पर भी आंसर हमको मिल गया इसी वाले क्वेश्चन की तरह 600, लेकिन यहाँ 600 कैंडिडेट हैं और यहाँ 600 मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो पूर्णांक जो है वो 600 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है अगर बात परसेंटेज वाइज हो, वो कैसा चेंज होता है उसके लिए हम आपको अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो वो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है और वह 40 अंक से असफल हो जाता है। मतलब साफ है कि कितना नंबर मिलना चाहिए था भाई, तो नंबर मिलना चाहिए था 33%, नंबर मिलना चाहिए था 33% और नंबर उसको मिला कितना है, नंबर उसको जो मिला है वो नंबर मिला है 25%। और इस तरह से वो फेल हो जाता है, कितने अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। बेटा यहाँ गिनती कर लो परसेंटेज वाइज कि अभी उसके कितने परसेंट, जैसे यहाँ पे हमने कहा ना 20 नंबर और होते तो पास होता, तो यहाँ परसेंटेज का फर्क कितना दिखाई दे रहा है, वो अगर फेल हुआ तो कितने परसेंटेज की कमी से फेल हुआ है, 8% की कमी से फेल हुआ है, ये चीज़ हमने घटा कर देख ली। ठीक, तो 8% की कमी से वो फेल हो रहा है और मार्क्स में 40 नंबर्स की कमी से वो फेल हो रहा है। मतलब साफ है कि जो 8% है वही 40 नंबर्स के बराबर है, बात समझ में आती जा रही होगी ना। ये जो 8% अगर 40 नंबर्स के बराबर है, अगर पूछा जाए उसको मिला कितना तो 25% निकालना, अगर पूछे पासिंग मार्क्स है कितना तो 33% निकालना, और अगर पूछे पूर्णांक कितना है तो 100% निकाल देना। ठीक है, मैं देख लेता जरा पूछा क्या है, तो यहाँ पर पूछा है कुल अंक क्या है, यानी पूर्णांक आपसे पूछा है, मैं सारी बातें बताता हूँ। अगर पूछा है टोटल मैक्सिमम मार्क्स अगर पूछे हैं, पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक यानी 100%, 100% हो जाएगा 40/8 × 100, तो 8×5=40 यानी 500 नंबर पूर्णांक है। अगर पूछा जाए पासिंग मार्क्स कितना है, उत्तीर्णांक कहते हैं इसको, तो पूछा जाए अगर उत्तीर्णांक कितना है पासिंग मार्क्स, तो उत्तीर्णांक की बात अगर की जाए तो उत्तीर्णांक जो होगा वो 500 का 33% निकाल के भी निकाल सकते हो या यहीं से आ जाओ। अगर मान लो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा होता तो क्या हमको पूर्णांक निकालना पड़ेगा, नहीं, 8% हमको पता है ना 40 के बराबर है, तो उत्तीर्णांक निकालने के लिए क्या करोगे, 8% 40 के बराबर है तो 33% कितने के बराबर है, तो 33% जो होगा वो बराबर हो जाएगा 40/8 × 33, तो हम कहेंगे 8×5=40, 5×3=15, 5×3=15 × 1=16, 165, 165 जो होगा वो उत्तीर्णांक होगा। और इसी तरह से अगर कहा जाए इस बंदे को नंबर्स मिले कितने होंगे, तो आप कहोगे कि 8% जो है वो 40 के बराबर है, तो मिले कितने थे इसको, मिले थे 25% नंबर, 25%, तो ये हो गया 40/8 × 25,
तो 8 पंजे 40 और 25 पंजे 125। वैसे भी आप लोग देख सकते हो कि पूर्णांक कितना था, पूर्णांक था 500, और 25% का मतलब क्या होता है, 100 के आधे का आधा है, तो 100 के आधे का आधा 25 होता है, तो 500 के आधे का आधा 125 होता है, 500 का आधा 250, 250 का आधा 125। क्लियर हो गई होगी ये बातें। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर ले, फिर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, झाड़ू पोछा फटका मारने के बाद में, पूरी साफ सफाई करने के बाद में अगला क्वेश्चन फिर डिस्प्ले हो गया आपके सामने। और क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। अच्छा, पहले इतनी जानकारी के आधार पे और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसमें क्या पूछा है वो तो आप लोग देख ही लो। इसमें पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, द मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछा जा रहा है आपसे, कि पासिंग मार्क्स कितना है, मिनिमम मार्क्स कितना है जो पास होने के लिए रिक्वायर्ड है। 30% नंबर प्राप्त किया और दूसरे बार में 40% अंक प्राप्त किया है। देखिए जरा, पहले कैंडिडेट की अगर बात करें हम, मान लेते हैं दो कैंडिडेट हैं ए और बी, तो इन दो कैंडिडेट्स के बारे में बेटा अगर बात करें, तो जो कैंडिडेट ए है उसने 30% नंबर प्राप्त किए हैं और वो 5 नंबर से फेल हो गया, दूसरे ने 40% नंबर प्राप्त किए हैं और वो 10 नंबर ज़्यादा लाया। तो अगर हम ऐसे बात करें तो ए के पास में 5 नंबर्स की कमी और बी के पास में 5 नंबर्स की अधिकता है। इस कमी और अधिकता को ऐसे समझो आप कि अगर हमसे ये समझा अगर हमको ये समझाना हो कि इस कमी और अधिकता का क्या मायने हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बी को अगर 10 नंबर ना मिलते वो तो भी पास हो जाता, लेकिन ए को 5 नंबर और दोगे वो तब पास होगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल और इसमें मजबूत करते हैं आपके लिए। जैसे अगर सपोज़ कीजिए, वही वाला क्वेश्चन पेपर है 500 नंबर का, और 500 नंबर में से 33% पासिंग मार्क्स है, यानी 165 नंबर लाओ तो पास हो गए, ठीक है। अब अगर एक कैंडिडेट के बारे में हम बात करें कि एक कैंडिडेट जो है वो पाया है 170 नंबर, 175 नंबर पाया है, और एक कैंडिडेट जो है वो 160 नंबर पाया है, तो जो 175 नंबर पाया है ये बी है, और जो 160 नंबर पाया है वो ए है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से देखो जरा, यहाँ पर कह रहा है कि जो बी है वो ए और बी के हिसाब से अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो जो ए है वो 160 नंबर और बी जो है वो 175 नंबर पाया, तो जो पासिंग मार्क्स है उससे 10 नंबर ज़्यादा, यानी अगर इसको 10 नंबर ना दो ये तब भी पास है। और एक ही कंडीशन क्या करिए, एक अगर 5 नंबर और दो तब कहीं जाकर ये पास होगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक बार इसको पूरा रिव्यू कीजिए कि हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की बात हमने की, 33% वहीं से ले लिया, ठीक है। तो ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि इसमें क्या क्या पूछ सकता है। सकने वाली बात अगर की जाए तो बहुत कुछ पूछ सकता है आपसे, बहुत कुछ पूछ सकता है। देखिए क्या क्या, जैसे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर निकालने के लिए आपको इन्हीं रास्तों पे होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत आसान सा रास्ता है, बहुत ही प्यार से आप पहुँच जाओगे वहाँ तक, वो चीज़ तो एक अलग होगी, लेकिन हम जितनी बातें इसमें पूछ सकता है वो सारी बातें ज़रा देखते चले जाएँ, ठीक है। इन बातों को ज़रा देखिए और ध्यान दीजिए। जैसे अगर देखा जाए 30% और 40% का डिफरेंस हुआ कितना, ए को बी से कितने कम नंबर्स मिले हैं, तो ए को बी से 10% कम नंबर्स मिले हैं, और वैसे ए को बी से आपको याद होगा 175 और 160 कितना कमी हो रही है, कमी हो रही है 15 की, ठीक है। तो ये कमी है 15 की। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, बच्चे गलती ये कर देते हैं कि इसको -5 और +10 को +5 लिख देते हैं, नहीं 15 है ये भाई, यानी आपने किया क्या, बेसिकली 10 माइनस का 5 किया है और 10 + 5 बन के ये 15 का आंसर दे रहा है, ठीक है। 10% अगर 15 के बराबर हो और आपसे नंबर एक पर पूछ ले कि भाई साहब पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक आपको मालूम है कि अगर 10% की बात है तो 100% अगर पूर्णांक पूछा जाए तो 100% नंबर्स पूछे जाएंगे, वो कितना हो जाएगा 150। इधर 10 से गुणा करो, इधर भी 10 से गुणा करो, ये हुआ ×10, तो इधर भी हमको करना होगा क्या ×10। 100% कितना हो गया, 150 हो गया, पूर्णांक निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरी बात कर लो, हो सकता है पूछ ले कि ए को कितना नंबर्स मिले, है ना। तो सेकंड नंबर पे अगर पूछे ए का प्राप्तांक, दोनों का लिख देते हैं, ए और बी का, ए का भी पूछ सकता है और बी का भी पूछ सकता है। प्राप्तांक अगर पूछ ले कि कितना नंबर मिला है ए को या बी को, तो आपको मालूम है पूर्णांक कितना है, 100% यानी 150 नंबर। अगर 150 में से ए के बारे में पूछा जाएगा तो ए के लिए हम कहेंगे कि ए जो भाई साहब हैं इनको 150 का 30% मिला है, यानी 15 × 45 नंबर मिला है। और बी के बारे में अगर पूछा जाए तो बी के बारे में आप देख सकते हो बी को कितना मिला है, तो बी को 150 का 40% मिला है,
यानी 15 को 60 नंबर मिला है। ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो सब लोग, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 खत्म करके। ठीक है, तो ए का प्राप्तांक और बी का प्राप्तांक आपको पता चल गया। अब हो सकता है आपसे कह दे कि भाई साहब पासिंग मार्क्स कितना है, उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक या पासिंग मार्क्स। तो उत्तीर्णांक या पासिंग मार्क्स अगर पूछेगा तो देखिए क्या करना है हमको, उत्तीर्णांक या पासिंग मार्क्स अगर पूछ ले तो हमको ये पता है कि ए पास नहीं हुए हैं, इनको 5 नंबर और दो तब पास होंगे, या बी तो पास है ही, 10 नंबर काट लो तो भी पास है। तो दोनों ही तरह से आपको पासिंग मार्क्स पता चल रहा होगा कि पासिंग मार्क्स है 50। सारी बातें देखते जाइए, अभी मैं और तरीके बताऊंगा आपको। इसमें पहले ये सारी बातें जो है वो हमने उधेड़ के रख दी है इस क्वेश्चन में, कितना कितना क्या क्या हो सकता है। दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे आ जाओ, चौथे नंबर पे पूछ सकता है पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना है, ये बात भी आपसे पूछ सकता है। तो परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स बेटा अगर पूछेगा आपसे तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर 50 नंबर्स मिले हैं, कितने में से मिले हैं, तो 150 में से मिले हैं, 150 में से 50 नंबर प्राप्त हुए हैं, 150 में से 50 नंबर मिला है तो परसेंटेज में कितना नंबर मिला है इंटू 100% करके देख लो, अगर परसेंटेज पूछता है तो। तो यहाँ पे हमने कहा 33 सही 1/3%, ये हो जाएगा पासिंग मार्क्स। ठीक है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेंगे, कुछ और बातचीत इस पर करेंगे। पहले इन जरा पूरी बातों को एक बार ध्यान से देखें आप लोग। अब अगर यार इस पूरी बातचीत पे आप लोग ध्यान कर चुके हो तो मैं एक बात और करना चाहूँगा इसमें, कि क्या ज़रूरी है कि हम ये जो मार्क्स निकाला जा रहा परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स 33.1 होल नंबर 1/3, इसके लिए हम इसी रूट से आ गए। एक और रूट है उसको देखो जरा, समझो। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि 15 मार्क्स जो हैं, ध्यान से देखिएगा जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, 15 मार्क्स जो हैं इसका मतलब आपको बताया जा रहा था 10%, ये हटाए तो 15 मार्क्स का मतलब क्या है 10%। तो आप मुझे बता दो कि जो 5 मार्क्स होंगे जिससे वो फेल हो रहा है, वो 5 मार्क्स कितना परसेंट होंगे, वो 5 मार्क्स होंगे 10/15 × 5, तो 5 × 15 यानी 3 सही 1/3% होगा ना। तो आप सीधी सी बात समझ जाओ कि ए फेल हो रहा है कितने नंबर से, 5 नंबर से, और कितने परसेंटेज, 3 सही 1/3% से। दे दो इसको यार, 30% इसके पास पहले से थे, पास होने के लिए इसको 3 सही 1/3% और चाहिए, तो 33 सही 1/3% हो गया ना, पास हो गया। आगे समझ में, फिर देखो, फिर से अगर देखोगे दूसरी बात पे, फिर से समझो कि यहाँ पर अगर हम बी के अकॉर्डिंग चले, ये तो हम ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगर हम बी के अकॉर्डिंग चलें तो बी के अकॉर्ड करते हुए हम कह सकते हैं 10% मार्क्स के, 15 मार्क्स 10%, 15 मार्क्स अगर हैं बराबर 10% के, तो 5 मार्क्स नहीं, इस बार 10 मार्क्स निकालो, 10 मार्क्स बराबर 10/15 × 10, क्योंकि बी को 10 नंबर ज़्यादा मिले हैं ना, तो उस 10 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करो तो क्या सीन बन रहा है, सीन ये बन रहा है भाई, परसेंटेज में देखो कितना हुआ, ये 5 × 15, 5 × 15, 5 × 2 = 10, और ये हो गया 20/3, 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3, 6 होल नंबर 2/3%। तो अगर 6 होल नंबर 2/3% की अधिकता है 40 में से, हम कह रहे हैं उसको 6 सही 2/3% नंबर ना होते तो भी पास होता, माइनस करके देख लो, 6 सही 2/3% नंबर नहीं है तो भी इसके कितने होंगे, 33 सही 1/3%, यानी पासिंग मार्क्स ओवरऑल आप 33 सही 1/3% डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गौर करना है, एक बार इस पर ध्यान देना। अब अगर 33 सही 1/3 का मतलब क्या निकालते हैं हम लोग, ये हो चाहे ये हो, इसका मतलब 1/3 ही तो है, और मैक्सिमम मार्क्स 150 हैं, तो 150 का 1/3 पासिंग मार्क्स कितना होगा, 50 नंबर, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो चलो इन बातों को देख लो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे थे यादव सर की किताब से थे, ये आर एस अग्रवाल साहब की किताब से, एग्जांपल हमने लिया ये दोनों, एक पहला जो आपने देखा वो और एक ये वाला। इस वाले में बोला गया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए और 45 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम मार्क्स भी बताना है आपको और पासिंग मार्क्स भी बताना है, दोनों बातें। तो हमारी जानकारी में जो बात है वो ये है कि एक बंदा जो पहला बंदा है उसमें छात्र को मिला है 42% नंबर, सॉरी 30% नंबर, 45 नंबर से फेल, 42% नंबर,
30% नंबर लाया है तो 45 नंबर्स कम रह जाते हैं, और दूसरी बात क्या बोली गई, 42% नंबर जब लाता है तो 45 नंबर ज़्यादा लेके आता है। अब इसमें अगर परसेंटेज की बात करो बेटा, बहुत ही आराम से निकाल सकते हो ना परसेंटेज की बात करें तो, कि न्यूनतम उत्तीर्णांक होने का प्रतिशत क्या है। चलो उस प्रतिशत पर बाद में आएंगे, पहले यहाँ देखो 45 और 45 में डिफरेंस अगर देखा जाए। सपोज़ करो कि किसी बंदे को पास होने के लिए अगर 300 नंबर चाहिए, पास होने के लिए अगर 300 नंबर चाहिए तो पहले वाले किस्से में उसमें क्या हो रहा है, 255 मिला, फेल हो गया है ना, ए 255 नंबर पाके फेल हो गया है, जबकि बी जो है वो 345 नंबर लेके आया होगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से भी प्लस 45 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हम लोग देख पा रहे हैं वो 90 नंबर्स का है बेटा, इस बात को सब लोग गौर कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर हम देखें, यहाँ पर 12% का डिफरेंस परसेंटेज में है और मार्क्स में डिफरेंस है 90 नंबर्स का। तो अगर 12%, चलिए इतनी जानकारी सब लोग पास में हो गई, 12% अगर 90 नंबर्स के बराबर है, आप लोग मुझे बताओ कि 12% अगर बराबर है 90 नंबर के, मैक्सिमम मार्क्स जो पूर्णांक पूछा है 100% पूछा है ना, तो वो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% सीधे सीधे बराबर हो जाएगा 90/12 × 100 के। क्लियर, ये भैया यूनिटरी मेथड है, जो लोग नए नए जुड़े हुए चैनल से बता दें आपको, 12% 90 के बराबर, 1% 90/12, 100% 90/12 × 100। तो यहाँ पर आपने कैलकुलेशन किया तो 4 × 25 = 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 25 × 75 = 750 नंबर, ये आ गए 100% मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक कितना निकाल लिया हम लोगों ने, 750, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, 750 पूर्णांक निकाल लिए हैं। अब कहा जा रहा है कि उत्तीर्णांक क्या है, उत्तीर्णांक के लिए चलो प्रतिशत निकाल लेते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं हम लोग कि जो फेल हो रहा है ना, 90 नंबर है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 90 मार्क्स बराबर है 12% के, तो फेल हो रहा हो या पास हो रहा हो जो भी हो वो है 45, 45 मार्क्स बराबर होंगे 6% के, समझ में आ गया होगा। अब चाहे इसको 6% दे दो, चाहे इसका 6% कम कर दो, आपको मालूम है कि पासिंग मार्क्स परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स जो है वो है 36%, ठीक। तो कुछ मत करो, 750 का 36% निकाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 4 × 9 = 36, 9 × 3 = 27, 270। तो 270 मार्क्स जो होंगे वो पासिंग मार्क्स होंगे। ए को कितना मिला 45, इसमें घटा जोड़ देना, बी को कितना मिला इसमें 45 घटा देना। क्लियर, तो ये सारी बातें बेटा आपके सामने रखी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है। बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शनल अप्रोच बड़ा बढ़िया रहता है, ऑप्शन उठाओ चले जाओ, ठीक है, और आंसर पा जाओ। ऑप्शनल अप्रोच से बढ़िया इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा ना, ऑप्शन से काम ऐसे चल जाए तो फिर क्या कहने, बल्ले बल्ले है भाई। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, उस क्वेश्चन में हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो पहले वाले को ए नंबर मिले या एक्स नंबर मिले, तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा, दूसरे वाले को x प्लस 9 नंबर मिले। अब इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है, और उसके अंक, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% हैं। तो ये जो मिला है इसको दोनों के अंकों के योग का, यानी x का और x प्लस 9 के योग का 56% है। कौन, x प्लस 9, यानी दूसरे वाले को जो नंबर्स मिल रहे हैं ना, वो उन दोनों के अंकों के योग का 56% है। बन गई इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं भाई, जैसे जैसे सॉल्व करना हो, चलो 100 से मल्टीप्लाई कर लें या थोड़ा छोटा कर लें, जैसे 4 से काट सकते हैं, है ना, तो 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 16, 14 × 4 = 56 होता है, और इसको कर दिया हमने 25। अब चलिए सॉल्व कर लीजिए, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो ये हमको मिल गया 25x + 25 × 225 बराबर 14 × 2x + 9। यहाँ से हटाए इसको, अगली बात आ रही है, 25x
प्लस 225 बराबर 14 दुनी 28x प्लस 14 नविया 126। इकट्ठा कर लीजिए सबको एक तरफ, 126 को इधर बुलाते हैं, 125 को उधर भेजते हैं। तो हमने कहा 225 माइनस 126 बराबर 28x माइनस 25x यानी 3x बराबर 15 में से 6 गया 9, 11 में से 2 गया फिर 9 और x बराबर हो गया 9/3 99/3 यानी 33/33। तो पहला जो है फर्स्ट वाला उसको नंबर मिले 33 और जो दूसरा वाला है उसको नंबर मिले होंगे 9 ज़्यादा 33 प्लस 9 यानी 42। क्लियर हो गया होगा, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो बहुत ही आराम से और प्यार से। अब अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शनल अप्रोच कैसे लेकर चल सकते हैं हम लोग? ऑप्शनल अप्रोच लेकर चलने में कुछ नहीं है, पहले तो ऑप्शन में आपको यही चेक करना होगा कि क्या यार दोनों ऑप्शंस का डिफरेंस, जो पहली कंडीशन है, दोनों ऑप्शंस का डिफरेंस जो है वो 9 के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शन को देख लें आप, 42-33 9 का डिफरेंस, 43-34 9 का डिफरेंस, 41-32 9 का डिफरेंस और 39-30 9 का डिफरेंस। 9 का डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी और जिस कंपटीशन के लेवल पे हम लोग हैं, ऐसी गलती ऑप्शन बनाने वाला कभी नहीं करेगा ना क्वेश्चन बनाने वाला। हो सकता है कभी कभार एक आधा ऑप्शन रख दें हम लोगों के लिए, लेकिन एक ही ऑप्शन, बाकी 3 फिर भी जिंदा रहेंगे। अब हम जिस ऑप्शन को भी लेकर चल रहे हैं, जैसे पहला ऑप्शन हमको 42-33 दिया हुआ, तो 42-33 की चेकिंग आप किस तरह से करोगे? जैसी कंडीशन आपको दी हुई है उसी के हिसाब से कर लो। यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर 42 और 33 हमारे वो नंबर होते तो इनका जो 56% होता ना वो बराबर होता 42 के, यही तो कह रहा है ना। तो इस चीज़ को आप चेक कर लो कहीं ऐसा है कि नहीं है। तो हमने कहा 42 बराबर 56% ऑफ 42 और 33 हो गया 75 और 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 से 14 बार और 14 तिया 42 आ गया भाई, आ गया है, मतलब यही आंसर है। तो ऑप्शन को लेकर आप इस क्वेश्चन को आराम से चेक कर सकते हो, ये हमारी सलाह है, ठीक। इस सलाह के साथ ही साथ अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, भाषा के विषय में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46 हो जाए। बेटा इसमें हम लोग एलिगेशन का रिवर्स प्रोसेस लगा सकते हैं, हम लोग काउंटिंग ऑफ रेशियोज कर करके आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में मैं इसका आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूं और फिर कल इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें हम लोग एलिगेशन का रिवर्स प्रोसेस या कुछ और ऐसी प्रक्रियाएं कर सकते हो, गिनती करके आराम से आंसर्स निकाल सकते हैं, उन पर बातचीत कर लेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत तो अब कर दी है तो इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, वरना मैं सोच रहा था वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो 300 में से 32% अंक मिला है, भाषा में 200 में से कितना अंक प्राप्त हो कि उसका कुल प्रतिशत जो है वो 46% हो जाए। तो पहले देखो ये है कि 300 और 200 कुल मिला के नंबर कितने हुए 500 और 500 का 46% प्राप्त करने के लिए मतलब उसका टोटल स्कोर जो होना चाहिए वो 230 होना चाहिए, टोटल स्कोर होना चाहिए 230, जिसमें उसने 300 में से नंबर्स परसेंटेज में कितने नंबर्स प्राप्त किए हैं, 300 में से उसने प्राप्त किया है 32%, 300 में से उसको 32% मिल गया। तो यानी कि 32 का 3 गुना 96 नंबर मिल चुका है। अब आप देखो 230 में से 96 नंबर अगर मिल चुका है तो नंबर और कितना चाहिए, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 134 नंबर और चाहिए, 134 नंबर उसको और चाहिए आउट ऑफ कितने में से 200 में से। तो वास्तव में कितना परसेंटेज नंबर चाहिए निकालने के लिए, इंटू 100% परसेंटेज, बेटा जब भी निकालोगे इंटू 100% करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 2×12 = 14, 67% नंबर चाहिए। ये एक पूरा सीन है, लेकिन ये आप ऐसे मत करें, हम इसमें कुछ और चीज़ें बताएंगे कल वाले वीडियो में, एक नया पैटर्न ले लेंगे एलिगेशन के रिवर्स प्रोसेस को किस तरह से यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ इसमें हम काउंटिंग ऑफ रेशियोज करके इन क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।